दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए कन्हैया कुमार को लेकर चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बता दें कि चुनाव से पहले कन्हैया कुमार की संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, कन्हैया कुमार के पास कुल 18 करोड़ की संपत्ति रखने को लेकर किए जाने वाला दावा गलत है। जी हां, कुछ दिनों पहले ही कन्हैया कुमार को लेकर ये बात सामने आई थी कि उनके पास 18 करोड़ की संपत्ति है। पहले बिहार बेगूसराय लोकसभा सीट से अपने नामांकन पत्र के हल्फनामे के मुताबिक कन्हैया कुमार ने 5.5 लाख रुपए की संपत्ति के साथ 8.5 लाख रुपए की सालाना आय की घोषणा की थी और हल्फनामे में के मुताबिक कन्हैया कुमार ने अपनी बातें भी कही थी। बता दें कि कन्हैया कुमार के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक पहले उनकी संपत्ति को लेकर दिया गया आंकड़ा गलत है और इन आंकड़ों के आधार पर पोस्ट में कुमार के सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाया गया है और उनकी संपत्ति पर भी संदेह किया गया है। कन्हैया कुमार को कई बार गलत सूचनाओं से घेरा गया है। चुनावी प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार की चुनावी प्रचार में इस्तेमाल भी की गई गाड़ी को फोटोशॉप करके एक तस्वीर में अफजल गुरु को भी दिखाया गया है। जी हां, बता दें कि कन्हैया कुमार इससे पहले जब बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस वक्त ये सारी चीजें उनके साथ हुई और एक बार फिर से अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी में जब कन्हैया कुमार शामिल हो गए हैं तो उनकी संपत्ति को लेकर फिर ऐसी सारी अफवाहें सामने आ रही हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।